फ्लायर्स और जो लीफलेट है एक्चुअली इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्लायर्स वहाँ पे यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्रमोशनल मटेरियल हो, कोई इवेंट हो, या कोई लेट से कोई नया बिजनेस या रेस्टोरेंट खोला है, तो आप अक्सर देखते होंगे कि रोड पे खड़े होकर लोग वो पंफलेट या फ्लायर बांट रहे होते हैं। तो वो वाले हैंडआउट्स जो कि आपको अक्सर कोई भी स्पेसिफिक इवेंट या इस तरह पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे लोग कोई भी सिंगल इवेंट की प्रमोशन के लिए जो लेट से आपको पेपर्स वगैरह दे रहे होते हैं, तो उसे हम फ्लायर या लीफलेट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको सिंगल साइड मिलेंगे बिकॉज ये लोग अपनी किसी भी रेस्टोरेंट या कोई नया बिजनेस खोला है या किसी ने कोई एकेडमी खोली है, तो अक्सर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते तो बाहर लोग खड़े होते हैं, आपको पेपर दे रहे होते हैं, कोई भी नई यूनिवर्सिटी खड़ी होती है। तो इस तरह के तमाम मटेरियल या जो भी आपको कह लें कि वो ब्रोशर्स सॉरी फ्लायर्स मिलते हैं, उसको हम फ्लायर या लीफलेट कहते हैं। डायमेंशंस मेन्यू डिफरेंट है, ठीक है, मेन्यू इसमें आएगा, ठीक है, मेन्यू इसमें आएगा, ब्रोशर्स में आएगा। लीफलेट या फ्लायर वो हैं जो कि लेट से आपको हैंडआउट्स मिलते हैं या प्रमोशनल मटेरियल है, और नॉर्मली आपको वो सिर्फ वन साइडेड प्रिंटेड होता है, और दूसरा ये कह लें कि किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट फ्लायर कोई भी नया बिजनेस ओपन होता है तो रोड पे खड़े होकर लोग पेपर बांट रहे होते हैं कि जी हमारा नया रेस्टोरेंट खुला है ट्राई करें, या कह लें कोई नई अकेडमी खुली या कोई भी नया बिजनेस ओपन हुआ या समटाइम कोई इवेंट होता है, तो इस तरह के जितने भी आपको पेपर्स या प्रिंटेड मिलते हैं उन सबको हम कहते हैं फ्लायर या लीफलेट कहते हैं, इवन इसको हैंडआउट्स भी कहते हैं। और ये नॉर्मली इसकी जस्ट वन साइडेड होते हैं, लेकिन इसका थंब रूल नहीं है कोई, ये वन साइडेड ही होंगे। तो इस तरह के मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम वन साइडेड होते हैं, और ये टेम्परेरली या सिंगल कह लें कि सिंगल बिजनेस प्रमोट करने के लिए इस तरह की चीज़ें नॉर्मली यूज होती हैं, ठीक है। और दूसरा जो ब्रोशर्स हैं, ब्रोशर्स कह लें कि आप नॉर्मली लोग लीफलेट या हैंडआउट्स की तरह नहीं बांटते, ये कह लें कि इस पर कंपनी की प्रोफाइल भी होती है, या दूसरा अगर कोई कंपनी अगर कोई अपनी लेट से कोई भी उनका कोई प्रोग्राम है या कोई उनके प्रोडक्ट है तो लोग स्पेशली अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ब्रोशर्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं। और दूसरा आपको ब्रोशर्स मिलेंगे कि जो नॉर्मली जो ब्रोशर्स होते हैं बेसिकली ये वन साइडेड भी हो सकते हैं, टू साइडेड भी हो सकते हैं, इसके मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, तो ब्रोशर्स के अंदर ये डिफरेंस है। और दूसरा सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए भी हो सकता है। एग्जैक्टली तो जो ये पहले वाला काम है, ये लीफलेट या फ्लाइट्स वाला, ये बेसिकली कॉस्ट कटिंग काम है। लोग इसको कह लें कि लो क्वालिटी पेपर में प्रिंट करवाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक दफ़ा बांटने होते हैं। लोग आपको पता नॉर्मली जो भी हमें हैंडआउट्स या फ्लाइट्स मिलते हैं उनको पढ़ के फेंक देते हैं, तो इसलिए ये वाला काम करें ये लोग जो चीप क्वालिटी पेपर्स होते हैं या लेट से लो क्वालिटी पेपर्स होते हैं उन पर करवाते हैं। जो ब्रोशर्स या ये वाला जो काम है ये लोग एक्सपेंसिव पेपर्स के ऊपर करवाते हैं, बिकॉज ये स्पेसिफिकली या तो अपनी कंपनी को लोग इस पर प्रमोट करते हैं या कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज या कह लें कॉर्पोरेट सर्विसेज, इस तरह की चीज़ें प्रमोट होती हैं। इन्फोग्राफिक बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसमें भी यूज हो सकता है, इसमें भी यूज हो सकता है। इन्फोग्राफिक्स तो बेसिकली चार्ट या मैप है ना, जिसके अंदर आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द डिजाइन है। मैं तो सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ये अभी ये वन साइडेड भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बोथ साइड भी हो सकते हैं, फ्रंट एंड बैक, ये लेट से टू पेजेस भी हो सकते हैं, ये फोर पेजेस भी हो सकते हैं, तो ब्रोशर्स कुछ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन वो किस तरह की है। इस तरह कैटलॉग आपको पता है, नॉर्मली अगर आप किसी भी ब्रांड पे जाएं या किसी क्लोथिंग ब्रांड पे जाएं तो उनकी वहाँ पे कैटलॉग्स पड़ी होती है जिसके अंदर उनके डिज़ाइंस होते हैं, और उसके अलावा दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके अंदर मैंशन की होती हैं, ठीक है, साइजेस वगैरह, डिफरेंट कलर्स, ब्रांड एग्जैक्ट, तो इसको हम यूज़ करते हैं ब्रांड प्रमोशन के लिए, ठीक है। कंपनी प्रोफाइल तो इटसेल्फ एक्सप्लेनरी है कि लोग अपनी पूरी कंपनी की प्रोफाइल बनवाते हैं, जिसमें होम पेज, देन अबाउट अस, देन सर्विसेज, देन उसके बाद आर मिशन, फिर उसके बाद क्लाइंट्स, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। इसमें फॉर एग्जांपल अगर कोई लेट से किसी का बिजनेस है, अगर लेट से वो कह लें जैसे हमारा डिज़ाइन का बिजनेस है, अगर हम चाहते हैं कि हमने किसी भी लोग के लिए बात कर रहा हूं, लेट से अगर हमने किसी क्लाइंट को विजिट करना है, इंस्टेड ऑफ उसको हम एक एक सर्विस बताएं, हम नॉर्मली बहुत सारी कंपनी से करती हैं अपनी जितनी भी उनकी कंपनी की स्टेटमेंट्स हैं, जितनी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जितनी सर्विसेज हैं, वो सारी की सारी कंपनी प्रोफाइल
प्रिंट करवा के डिफरेंट कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती है, तो कंपनी प्रोफाइल्स हमारी वहाँ पे यूज होती है, परस्पेक्टिव भी यही है। उसका भी मकसद यही होता है कि जो प्रोग्राम या जिस यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, ताकि अब वो सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ के जो मर्जी चूज कर ले। तो नॉर्मली जो हमें इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल होती है, लेट्स से किसी से वैसे सुनने को मिलती है, तो वो याद नहीं रहती। तो लोग क्या करते हैं, अपने इस तरह के प्रोफाइल्स या परस्पेक्टिव या इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी के सारी प्रिंट आउट करवाते हैं। फिर इसी के अंदर एक न्यूज़लेटर भी आता है, और सोचें और क्या हो सकता है। पोस्टर्स, न्यूज लेटर्स आ गया, ठीक है। पोस्टर्स क्या होते हैं, लेट्स से कोई भी इवेंट है तो, या लेट्स से किसी जगह की मशहूरी है, तो आपको बड़ा सा A3 साइज का, जैसे ये इस डिपार्टमेंट के भी बाहर एक लगा हुआ है, तो जो भी इवेंट आ रहा होता है या समटाइम जो भी नियरेस्ट जो फंक्शन है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसको प्रमोट करने के लोग पोस्टर्स लगाते हैं। इवन कॉन्सर्ट्स के आपको पोस्टर्स मिलेंगे। तो पोस्टर्स वगैरह लेट्स से जो A3 साइज होता है 12 इंचेस बाय 18 इंचेस, 1 फीट बाय 1.5 फीट, तो नॉर्मली आपको पोस्टर्स इस साइज के मिलेंगे। और बताएं जो नॉर्मली आपको चीजें, बैनर्स, ठीक है, बैनर्स या पेनाफ्लेक्स या एक और होता है होर्डिंग साइज। जो आपको बड़े बड़े ये रोड्स के ऊपर बैनर्स नजर नहीं आते, या इसे क्या कहते हैं, बिल बोर्ड, ठीक। और बताएं, फिर स्टैंडर्ड्स होती हैं, जैसे एक वायर लगी हुई है, ये लैब के बाहर है, पंफलेट इसमें आएगा, इतना मुश्किल काम। चले मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ें जो हमने नहीं एक्सप्लेन की, मैं आपको एटलीस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। और बताएं जो प्रिंट से रेलेवेंट है, स्टिकर्स तो जस्ट साइजेस होते हैं, और चीज सोचे मैगजीन्स, हम कैटेगरी वाइज करते हैं। फ्लेक्सिस आ गया नहीं, बुक कवर्स, दोनों सेम होते हैं, डिफरेंस ये होता है कि एक हार्ड फॉर्म में आपको प्रिंटेड बुक मिलती है, एक पीडीएफ फॉर्म में मिलती है। तो जो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी वो आपको ई बुक्स होती है, जो कि आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ की भी दो टाइप्स हैं, अगर आपने नहीं सुना हुआ तो ई पब भी है, ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन। और बताएं, मैंने तो इतने सारे लिखे हैं ना शुरू में, सोचे आपको लेट्स से जो नॉर्मली जो मैं रेगुलर लाइफ के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, लेट्स से जो चीज़ें हम डेली सामना करते हैं, तो वो सारी सोचे। वो स्टेशनरी में जाएगा, और आपको मॉकअप डिज़ाइन नहीं किया था हमने, उसमें फॉल करेगा, वैसे उसे हम प्रमोशनल मटीरियल कहते हैं। बिकॉज ये जो प्रमोशनल मटेरियल वाला काम है, ये लोग क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। ऐसे कोई क्लाइंट है, उसके ऑफिस जाएंगे विजिट करने, तो उसको फिजिकली गिफ्ट देते हैं, उसके ऊपर लोगो भी लगा होता है अपनी कंपनी का,
तो अगली कंपनी के अच्छे फ्री की प्रमोशन है। कौन सी? इनविटेशन कार्ड, शादी कार्ड। सर ये आप ठीक हो गया। उसे हम कहते हैं वो जो बसेस पे या उस पर लगी होती है, उसे कहते हैं क्या, उसका नाम क्या था? स्टिकर्स नहीं कहते, से कुछ और कहते हैं। और कुछ रह गया हमारा? सोचे सोचे शॉपिंग बैग्स उस पर तो हाँ एक एक चीज और आती थी, ठीक है वो एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है टी शर्ट डिजाइन वो लिखा ना, ये देखो किधर गया ये वाला, ये और बताएं जी। जी लेस वगैरह पे जो आता है इसे हम इसे कहते थे पैकेजिंग। और बताएं सोचे सोचे बिकॉज चीजें हमारी ऑलमोस्ट सारी फिनिश हो गई हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग इसलिए कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक के जितने भी लेक्चर हैं हम उसको डिवाइड कर लेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लेट से बिल्कुल डिफरेंट है, हम डिज़ाइन कर लेंगे। कुछ चीज़ें बिल्कुल सिमिलर सेम टू सेम है, तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। और बताएं कल तो छुट्टी है, अच्छा नेक्स्ट वीक से ठीक हो। और बताएं अगर किसी के कुछ रह गया तो। वो नहीं बनाया, ठीक है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें प्रिंटिंग में इतना अच्छा नहीं हूँ, तो मैं डिजिटल डिजाइन पे ज्यादा अच्छा हूँ। उर्दू फॉन्ट से आपने जो है ना क्या याद करवा दिया, इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी रहेगी ये, इतना जो है ना इंपॉर्टेंट नाम तुमने मिस ही कर दिया था, उर्दू लिखने वाला।
अभी करते, और बताए ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में करनी है। वैसे भी शादियों वाला मौसम है तो शादी वाला सबसे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, और बताए ये कुछ रह गया? पक्की बात है, सोच लें, काफी रहे थे, ये सारे हमने आज ही करने हैं, करेंगे तो छुट्टी होगी। अच्छा, सबसे पहले उर्दू वाले से स्टार्ट करते हैं, मेरे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्या कहते हैं उसको, वीडियो स्टार्ट है, आवाज आ रही है ना सबको? स्पीकर चल रहे हैं ना? गुड है। सॉफ्टवेयर का नाम था यस पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, ये एक छोटा सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर, आप इसको इंस्टॉल कर लें और आपके जो कह लेंगे उर्दू वाला जो जो लोग हम पाकिस्तान वाली उर्दू इंस्टॉल कर यूज करते हैं कि आपको वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, मेरे पास मैक है तो मैं ये डाउनलोड नहीं कर सकता, तो इसलिए या तो विंडो वाला पीसी पड़ा उस पे स्विच कर लेते हैं, आपको उस पे दिखा देता हूं। We want you to be able to click with confidence. But you may wonder, is the software here really free? What's the catch? ठीक है, यहां से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है पाक उर्दू इंस्टॉलर, ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। और उसके बाद दूसरा काम हमने ये करना है कि जब भी आप लिस्टेटर में जाएं तो नॉर्मली जब हम उर्दू लिखते हैं, मैं ऑनलाइन कर लेता हूं, ठीक है, नॉर्मली जब भी आप उर्दू लिखें तो वो इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन इवन ट्राई करेंगे तो जब भी कॉपी पेस्ट करें तो हमें, बिकॉज इशू ये होता है कि जो बाय डिफॉल्ट जितने भी ये डॉबी के सॉफ्टवेयर हैं, इवन जो बाकी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे के सारे लेफ्ट टू राइट जो है ना वो टेक्स्ट को रीड करते हैं, और जो हमारी लैंग्वेज है वो राइट टू लेफ्ट है, तो एक छोटा सा ये इशू होता है। तो उसका कह लेंगे सिर्फ दो सेटिंग्स हैं जो कि आपने देखनी है, कंट्रोल के कर लें या एडिट में प्रेफरेंसेस में चले जाएं, और यहाँ पे टाइप में जाने के बाद आपने जो ऑप्शन ऑन करनी है ये वाली है, ये शो इंडिक ऑप्शंस। ठीक है, शो इंडिक ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा, और इसको चेक करने के बाद यहाँ से ओके कर दें, फिर उसके बाद यहाँ से विंडो, देन यहाँ से टाइप में आए, और यहाँ से पैराग्राफ, कंट्रोल शिफ्ट टी इसका शॉर्टकट है। उसके बाद आपने करना ये है कि पैराग्राफ वाला इस कह लें कि ये विंडो ओपन करने के बाद कि जो राइट साइड में इसका ये छोटा सा फ्लाई आउट मेन्यू आता है ये वाला, जिसमें हमारे सारी की सारी ऑप्शन शो होती हैं, यहाँ पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगी। ये देखिए, तो एक मिडिल ईस्टर्न है और ये जो फर्स्ट वाली सिंगल लाइन कंपोजर है, और दूसरा उसके बाद एवरी लाइन कंपोजर है, ये डॉब सिंगल लाइन है, ये डॉब एवरी लाइन है। तो नॉर्मली जो हमारा कंपोजर होता है, ये डॉब सिंगल लाइन पे होता है, ये डॉब एवरी लाइन कंपोजर पे होता है। तो आपने इसको स्विच करके ये मिडिल ईस्टर्न वाले पे सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे हम मिडिल ईस्टर्न पे क्लिक करेंगे,
तो जो हमारी जो भी आप उर्दू लेट से चाहे आप डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ फॉन्ट चूज करना पड़ेगा उर्दू वाला। एंड आई गेस जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो अडोब अरबिक होता है। लेकिन स्टिल मेरे पास उर्दू उस तरह से इंस्टॉल नहीं है एज एन सॉफ्टवेयर, तो इसलिए मेरे पास डायरेक्टली नहीं लिखने देता। तो मैं सिर्फ क्या करता हूँ, ये ऑनलाइन टाइप करके देन यहाँ पे लेता हूँ इस तरह से। ये देखें सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करेगा उर्दू में टाइप करने में, वो इंस्टॉल डायरेक्ट हो जाएगा, लिस्टेटर में नहीं आएगा, वो सेपरेट इंस्टॉल होता है। अच्छा वापस आ गया। अच्छा नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं वो आप उर्दू फॉन्ट्स हैं, उर्दू फॉन्ट्स डॉट नेट आई गेस। ठीक है, ये उर्दू फॉन्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप डिफरेंट जो फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन पेज की लिमिटेशन ये है कि इन पेज के अपने फॉन्ट्स बहुत लिमिटेड है। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करते हैं डॉब इलस्ट्रेटर या कोरेलड्रॉ में, तो ये सारे के सारे आप जो फॉन्ट्स हैं, जो इस जो उर्दू के स्पेशली फॉन्ट्स हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा ये फॉन्ट हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉलेशन का तरीका वही है, और डबल क्लिक करें और यहाँ पे इंस्टॉल फॉन्ट का ऑप्शन आ जाता है। और यहां से हम इसका इस तरह से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। तो इस तरह के जितने भी फॉन्ट्स हैं एक्चुअली वो ओरिजिनली टाइप नहीं है, तो इसलिए इशू होता है। अब मैं इसको रीमॉडिफाई नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास उर्दू लैंग्वेज नहीं है। वही बता रहा हूँ कि एक्चुअली मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर सकता बस मेरे पास उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है, मैंने जो मैक के लिए उर्दू लैंग्वेज वो डाउनलोड नहीं की, इसलिए मैं स्विच करके टाइप नहीं कर सकता। तो अगर मैं भी स्विच करके डाउनलोड कर लूँगा तो मैं स्विच करके टाइप कर सकता हूँ उर्दू लैंग्वेज। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये ऑनलाइन एडिटर पर जाके, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, आपको मैं कीबोर्ड भी बता देता हूं। ठीक है, ये वाला कीबोर्ड है, बल्कि इसकी मैं इमेज ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड है, और इसके ऊपर जो ये वाला कैले कीबोर्ड है वो हमारा, अब जहां मर्जी आप टाइप करें तो आपके सिमिलर वर्ड्स है। दूसरे आपको जो फॉन्ट्स हैं ये आपको ये उर्दू फॉन्ट्स डॉट नेट से मिल जाएंगे, यहाँ से ये वाला था। ठीक है, उर्दू फॉन्ट्स ये वाली वेबसाइट, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ भूल जाए तो सिंपली गूगल कर लिया करें। तो ये आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। इंस्टॉलर ये उर्दू फॉन्ट्स है, आई गेस इसने वो जिप बना के दी होगी। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन है तो भाई, अब सेकंड वाला टॉपिक टच करते हैं अगर हम कर सकें तो। 2 बज गए। अच्छा ब्रोशर्स और दो, मैं आपको दोनों से एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अगर सिंगल पेज होगा लेट से, तो हम क्या करेंगे उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं जैसे ये वाला आर्टवर्क है, ठीक है। साइजेस इजी हैं, नॉर्मली जिसका साइज यूज होता है या तो जो हमारे पास ये प्री डिफॉल्ट साइजेस होते हैं, ठीक है, कंट्रोल एन करें और इसके बाद इसको मैं स्विच कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोफाइल प्रिंट वाला सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ये साइजेस है, तो यहाँ से आप लेटर ए फोर जो ए थ्री है वो आपको डायमेंशन जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको उसके डायमेंशन भी क्लियर हो जाएंगी। तो नॉर्मली जो यूज होता है वो लेटर है, ए फोर है, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। और कुछ कस्टम साइजेज हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। और थर्ड वन जो पोस्टर के लिए यूज होता है हम यूज करते हैं यहाँ से ए थ्री यूज करते हैं, ये वाला, इसको इंचीज में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखें तो ये ऑलमोस्ट ए 1 फीट बाय 1.5 फीट है, ठीक है, 1 फीट बाय 1.5 फीट है, 12 इंचीज बाय 12 बाय 18 होता है वैसे, इंटरनेशनल साइज में थोड़ा कम किया हुआ। कलर हमने यहाँ पे जितने भी यूज करने हैं वो सारे के सारे सेम वाइट होने चाहिए, बिकॉज ये जितने फ्लाइट हैं सारे के सारे प्रिंट होते हैं। और इवन अगर आप ऑनलाइन जाने हैं तो उसके लिए आपको पता है कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो देन उसका कलर मोड चेंज करके हम उसको आरजीबी कर देते हैं, इसमें हम सीएमवाई के करेंगे, एक्सपोर्ट करते हुए आरजीबी करेंगे। जस्ट फाइल क्रिएट करते हुए आपने सीएमवाई के रखना है, जितने भी कलर ईच एंड एवरीथिंग आपने सीएमवाई के बारे यूज करनी है। और जो डीपीआई या रेजोल्यूशन है वो 300 होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड जो बिजनेस कार्ड वाला था। तो जितने भी प्रोसीजर या मेथड जो प्रिंटिंग वाले वो सारी जगह सेम है। कलर सीएमआई के यूज होते हैं, जो रेजोल्यूशन है वो 300 है, और उसके बाद जो हमने डायमेंशन यूज करनी है वो सारी की सारी आप यहाँ से ये प्रोफाइल वाला प्रोफाइल चेंज करके इसको प्रिंट कर लें, आपके पास ये बाय डिफॉल्ट सारे के सारे साइज आ जाएंगे। ए फोर लीगल टैबलेट, ए थ्री, बी फोर, बी फाइव, ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइजेस हैं। जो भी आपको साइज बताएगा वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल होते हैं। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि ए फोर के डायमेंशन क्या होती हैं, लेटर्स जो लेटर लेटर पेपर है उसकी क्या है, लीगल की क्या है, टैबलेट की क्या है, या ए थ्री की क्या है। आप काम करते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। और यूनिट्स यहाँ से पॉइंट्स चूज कर लें या मिलीमीटर चूज कर लें, दोनों में जो मर्जी चूज कर लें। देन हमारे पास ये डॉक्यूमेंट चेंज रहेगा। और इवन हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से आर्टबोर्ड टूल से आर्टबोर्ड सेलेक्ट करें और इसको हम यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं, यहाँ से इसके वेतन है, ठीक है, यहाँ से भी इसके प्रोफाइल चेंज है। तो यहाँ से मैंने लेटर सेलेक्ट किया है, तो आप लेटर को स्विच करके यहाँ पे ए फोर भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने इसको स्विच करके ए फोर कर दिया, तो जो आर्टबोर्ड का डायमेंशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अच्छा, अगर हम सिंगल पेन डिजाइन करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी लास्ट पिछले क्लास में डिजाइन किया था, मुझे टाइम बचाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखें, ठीक है, सिंगल पेज फ्लायर या लीफलेट इस तरह के होते हैं, तो उसमें जो कंटेंट है, लेट्स से हम यहाँ से जो कंटेंट है इसका पिक कर लेते हैं 99 डिजाइन से। ये मैंने एक ओपन किया हुआ था ऑलरेडी, ये वाला कौन सा, ये ब्रोशर है बेसिकली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नेम है होम बाउंड, और मिडिल अपर इनकम इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग टू बिल्ड देयर ड्रीम हाउस ड्रीम होम शुड अपील टू बोथ मैन एंड वीमेन, ठीक है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो होम बाउंड कंपनी नेम है, देन ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कि ये हाउस बिल्ड करके देते हैं, ड्रीम हाउस बिल्ड करके देते हैं जो कि मैन एंड वीमेन दोनों को अपील करें। और ये उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया होगा कि उसको अर्थ टोन चाहिए कलर्स के अंदर, वुड ऑल्सो बी लाइक टू आर सी अ कूल मैप ऑफ कैलिफोर्निया इन प्लेस ऑफ 1 इन 3, ठीक है, प्लेस होल्डर्स फॉर मोर फोटो फ्रॉम आर पर्सन पोर्टफोलियो। और ब्रोशर का ये उसने डायमेंशन लिखी हुई है, ये पेपर्स का साइज है, ये 8.5 बाय 11 इंचज है, तो 8.5 बाय 11 इंचज आई गेस लेटर का होता है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको हम इंचेस में कन्वर्ट करके अब देखते हैं, ठीक है, 8.5 बाय जो 11 है वो लेटर वाला साइज है।
और रिक्वायरमेंट ये इसने, अच्छा जी, कंपनी नेम में लोगो आना चाहिए, उनका लाइसेंस नंबर आना चाहिए, फ़ोन आना चाहिए, और जो ऑलरेडी उनके कंप्लीटेड होम है उनकी फ़ोटोज़ आनी चाहिए। और इन्होंने ये अटैचमेंट अपलोड की हुई है, ये देख लेते हैं हम। इसका साइज हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये उसने एक बेसिक सा आइडिया बना के दिया, या मे बी उनका ऑलरेडी कोई इस तरह से उन्होंने बल्कि खुद से वर्ड पे बनाया हुआ है। तो ये इनका छोटा सा आइडिया जिसके अंदर ये सारे का सारा लोगो और उसके अलावा ये इमेजेस जो उन्होंने ऑलरेडी डिजाइन किए हुए हैं, ये कॉन्टेंट है सारा, और उसके बाद जो हमने डिजाइन करना है हम यहाँ से देख लेते हैं जो उसके रिक्वायरमेंट है। ये देखें तो लोगो यहाँ से है, ठीक है, फ्रंट, देन उसके बाद ये बैक है, विच मीन फ्रंट और बैक दो बोथ साइडेड है। फ्रंट पे उसने लिखा हुआ है कि जी उसको सी अपलोड डॉक्यूमेंट्स, कंपनी नेम और कंपनी लोगो और नेम आएगा, उनका लाइसेंस नंबर आएगा, फोन और फोटो जो उनका कंप्लीटेड होम्स है। तो यहाँ से उन्होंने ये लगाया हुआ है छोटा सा, ठीक है, बल्कि सैंपल भी बना के दिया। तो यहाँ से हम ये पिक कर लेते हैं और उसके बाद ये इनका लोगो पिक कर लेते हैं, और मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली। ये लाइसेंस नंबर आ गया और ये फोन नंबर आ गया। ठीक है, इस लोगो को हम ट्रेस भी कर सकते हैं अगर उसने सोर्स फाइल ना प्रोवाइड किया। तो यहाँ से हम इसको, इस इमेज को, ओके, रिलीज क्लिप मास्क, अगेन रिलीज क्लिप मास्क, इतने बॉक्स हो गए ये, अभी भी ठीक है, अब इमेज आई है। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम डेल कर लेते हैं, इसको भी डेल कर लिया, ठीक है, और इस इमेज को हम यहां से ट्रेस कर लेंगे। और ऑप्शंस में जाके जो इसके वाइट है इसको इग्नोर कर देते हैं यहां से, तो हमारा लोगो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि एक तो इसके कॉर्नर यहां से स्मूथ कर दें ताकि एजी ना हो, ओरिजिनल लोगो के करीब करीब हो। इसकी शेप खराब हो रही है, अगर शेप ज्यादा खराब हो तो फिर हम इसको ट्रेस नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। और अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ख्याल रखिएगा कि अगर आपके लोगों की शेप डिस्टर्ब हो रही है, लेट से फॉन्ट खराब हो रहा है, तो देन इसको ट्रेस ना कीजिएगा। अगर इतना हाई रेज है कि आप ट्रेस करने के बाद जो ओरिजिनल, जो भी ओरिजिनल शेप पे अगर लोगो रहता है, देन इसको ट्रेस कीजिएगा। और ट्रेस इसलिए किया ताकि हम इसके कलर जब मर्जी चेंज कर लें, इसको लेट से वाइट भी कर सकते हैं, इसको स्विच भी कर सकते हैं। देखें अब ये कलर हो गया, अदरवाइज आपको पता है जो इमेज है वो फोटोशॉप में तो कलर हो सकती है लेकिन यहाँ पे नहीं होती। और इसको हम यहाँ से यूनाइट कर लेते हैं इस तरह से,
इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं, बल्कि स्काई ऐड करते हैं, इसमें रखना ही ना सेफ स्पेस, सब कुछ रखना है इसमें। सबसे पहले इसको यहाँ से कॉपी करके हमें फोटोशॉप में जाते हैं। इसके बेसिकली मैं टॉप बैकग्राउंड इंक्रीज कर रहा हूँ, बिकॉज टॉप पे स्काई है तो स्काई को इंक्रीज कर रहा हूँ एज एन स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ से हम इसका कैनवस इंक्रीज कर लेते हैं फिर टॉप साइड से। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद हमने करना है यहाँ से ये स्काई की इमेज कॉपी करते हैं और हम इसमें क्लाउड्स ऐड करते हैं। कॉपी इमेज, ये वाला काम आता है ना, हमने किया हुआ क्लास में कि नहीं किया? नहीं किया याद है, बैकग्राउंड एक्सटेंड की थी हमने, या एक वो हमने टेक्सचर एक्सटेंड किया था, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम है। ठीक है, तो पहला काम हमने ये करना है कि दोनों जो स्काई हैं या तो सिमिलर ढूंढें, इसके अंदर क्लाउड्स थोड़े से कम है, थोड़ा सा ये वाला देखते हैं। ठीक है, देखें इसमें इसमें जो ये क्लाउड्स हैं वो ज़्यादा है ये वाले, और इसमें बिल्कुल कम है। तो हम क्या करते हैं कि लेट से ये बल्कि पहले गाइडलाइन ऐड कर लेते हैं ताकि हमें पता हो हमारी इमेज कहाँ तक है। तो बॉटम वाली इमेज यहाँ तक है, अच्छा यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे, इस इमेज को इसके ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, जितना भी हमने लेके आना हो। और उसके बाद दूसरा काम ये करते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं यहाँ से लेयर मास्क, और यहाँ से ग्रेडियंट से टॉप से ये ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट किया और हम यहाँ से ग्रेडियंट यूज़ करते हैं इस तरह से। ठीक है, ग्रेडियंट क्या करता है, अगर हम लेयर मास्क पे अप्लाई करें तो ग्रेडियंट में होता है कि कलर की ट्रांजिशन होती है। तो हमने ब्लैक एंड वाइट ग्रेडियंट अप्लाई किया, अगर आप यहाँ पे इसकी ये वाली ऑप्शन देखें, ठीक है ये वाला पार्ट, तो इसमें हो क्या रहा है, कलर ट्रांजिट हो रहा है डार्क टूवर्ड्स वाइट। तो इंस्टेड ऑफ के जो हमारी ये वाली इमेज है एकदम से हाइड हो, जो कि हम नॉर्मली लेयर मास्क के साथ करते हैं, तो हम इसको ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं ताकि वो स्लोली मर्ज हो जो बॉटम वाली बैकग्राउंड है। ठीक है, ये देखें, तो अगर इसको मैं वैसे रेज करता हूँ रेजर टूल से, और यहाँ से हम इसका ब्रश जो है वो हार्डनेस इसकी ज़ीरो कर लेते हैं ताकि सॉफ्ट ब्रश हो। अगर हम इस तरह हाइड करेंगे तो तब भी हो सकता है, ये देखें। लेकिन इसके अंदर इशू क्या है कि कलर एकदम, ये देखें यहाँ से एकदम डार्क हो जाता है, तो ये इसके साथ ये इशू है। तो हम क्या करते हैं इस तरह के, जब भी बैकग्राउंड स्वर्च करते हैं हम इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं लेयर मास्क के ऊपर, और लेट से टॉप से लेकर बॉटम तक यहाँ पे, तो कलर स्लोली मर्ज होता है जो बॉटम वाला जो कलर उसके साथ। अब हमने ये करना है कि जो इसका क्लाउड है ये वाला, ब्रश टू लेकर इसके एजेस यहाँ से सॉफ्ट कर लेते हैं, ये जो बिल्डिंग वाला पार्ट है हम इसके ऊपर इसको हाइड कर लेते हैं यहाँ पे, उस बिल्डिंग के ऊपर क्लाउड नहीं आ सकते। और इसी तरह जो ट्री वाला पार्ट है हम यहाँ पे इसकी ओपेसिटी डिक्रीज करते हैं, हम इसको हाइड करते हैं यहाँ से। अब देखें हमारे क्लाउड्स मर्ज हो गए। तो इस तरह होता है क्या कि जो अगर हमने क्लाउड मर्ज करना है, कोई डिफरेंट बैकग्राउंड मर्ज करनी है, इवन टेक्सचर मर्ज करना है, तो दोनों को ओवरलैप कर ले बैकग्राउंड्स को, और उसके बाद
जो गाइडलाइन ऐड की थी वो इसलिए ऐड की कि इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई नहीं करना। अगर मैं ग्रेडियंट यहाँ से अप्लाई करता हूँ तो होगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन लेट्स से यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से ये वाइट आएगा इस तरह से। तो गाइडलाइन इसलिए ऐड की थी ताकि आइडिया हो कि जो ये वाली जो हमारी लेयर है ये एंड कहाँ पे हो रही है, और हमने जो भी ग्रेडियंट अप्लाई करना है उसके नीचे अप्लाई करना है ताकि ये वाली बैकग्राउंड जो है ये एक्सपोज ना हो, कि इसके ऊपर ये हिडन है इस तरह से। और इसलिए मैंने गाइडलाइन ऐड करके इसको यहाँ से अप्लाई किया ताकि जो इस वाली लेयर के जो कॉर्नर है वो विजिबल ही ना हो कि एग्जैक्टली कहाँ पे एंड होती है, और दूसरे क्लाउड्स को हमने इसके बाद मर्ज कर दिया। अब हमने ये करना है, इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर लेते हैं कंट्रोल ई प्रेस करके, या दोनों लेयर सेलेक्ट करें यहाँ से लेयर और स्क्रोल डाउन करें या मर्ज लेयर से, देन कंट्रोल सी और इसको हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में पेस्ट कर लेते हैं। और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये देखें इसका जो कॉर्नर है ये वाला, ये स्टिल जो है ना ये फेड हो रहा है इसके साथ, क्योंकि नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस आते हैं, इसको अंडू करते हैं। इस बिल्डिंग है इसको यहाँ पे हम लेसर टूल के साथ ये इस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके जो इतने एरियाज को हम हाइड कर देते हैं बिकॉज ये 100% विजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखें हमारे बिल्डिंग का जो कॉर्नर है वो शार्प हो गए। अब इसको मर्ज करके एक्सपोर्ट करते हैं। और हमने यहाँ पे अगर लेट से क्लाउड को डिक्रीज इंक्रीज करना तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक हम ये बॉक्स ऐड कर लेंगे इस तरह से। उसके यहाँ से डायमेंशन देख लेते हैं 8.5 है। ठीक है, और इस दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, क्लिप मास्क कर देंगे ताकि जब जितनी भी बैकग्राउंड अगर हमने टॉप से हाइड करनी हो तो इसको टॉप पे इस तरह से मूव कर लिए ये इस तरह से। क्लियर है, हम बैकग्राउंड को इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बॉक्स ऐड कर लेंगे, हमारा जो बॉक्स है वो ये है, ये वाला। हम इसको जब मर्जी डबल क्लिक करें और ये जो क्लिप मास्क है इसको एडिट कर लें इस तरह से। आप इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, जितना भी आपने स्काई इसका शो करना है। इसमें क्रॉप क्यों करना है, अगर बाद में चाहिए होगी तो फिर हम इसमें ऑप्शन आता है क्रॉप का। अगर पुराने वाला वर्जन उसमें नहीं आता, उसमें मास्क का ही ऑप्शन आता है। अगर लेटेस्ट वाला वर्जन उसमें क्रॉप इमेज का ऑप्शन आएगा आपके पास यहाँ पे टॉप पे। ठीक है, अब घर ज्यादा वुड का बना हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। मैं लगा ही नहीं, बल्कि अच्छा कि आपने याद करवा दिया। अच्छा, इसके अंदर हम करते हैं कि जो सेफ एरिया वो छोड़ते हैं वो वही सेम है जिस तरह बिजनेस कार्ड में, उधर 0.15 है, उसको एमएम में कर लें या इंचेस में कर लें। तो अगर आप इंचेस में करेंगे ठीक है तो अगेन 0.125 है, या अगर एमएम में करना तो आप 4 mm या ठीक है 4 mm आप इस तरह छोड़ सकते हैं। तो
हम क्या करते हैं यहाँ पे बॉक्स ऐड करते हैं, और इसको भी यहाँ से अलाइन कर लेते हैं। और इसी तरह इसी बॉक्स को बॉटम पे अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेफ है। और गाइडलाइंस को हम यहां से लॉक कर देंगे ताकि मॉडिफाई ना हो। ठीक है, और दूसरा तरीका वही, अगर आपको याद हो कि हम यहां से गाइडलाइन ऐड कर लेते, और सॉरी बॉक्स ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। और इस बॉक्स को हम राइट क्लिक करके यहाँ से मेक गाइड्स कर देते हैं, और इसको देन लॉक गाइड्स कर देंगे। तो हमारे पास ये वाली जो गाइडलाइन है ये परमानेंट यहाँ पर रहेगी इस तरह से। ठीक है, दोनों मेथड जो कि हम उसमें बिजनेस कार्ड में किए थे। ब्लेड एरिया वहीं से ऐड होगा जब हम ये क्रिएट करते हैं, कंट्रोल एन। ठीक है, ये देखें शुरू में ये जो हम यहाँ से ब्लेड एरिया ऐड करते हैं, बेसिकली अकेले के जब हमने फाइल प्रिंटर को देनी होती है तो करना होता है, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है, वो बाद में खुद भी कर सकते हैं। सेफ एरिया हमने लाजमी छोड़ना है। ठीक है, सेफ एरिया के बगैर डिजाइन नहीं करना। ब्लेड एरिया हम छोड़ भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, लेकिन एज ए डिजाइनर आपको पता होना चाहिए मतलब इसमें ब्लेड एरिया ऐड होता है। अच्छा, इसको डिज़ाइन करने का मेथड बिल्कुल सिमिलर है, वही है। मैं एक्चुअली फ्लायर्स की सारी चीज़ें करता रहता हूँ, इसलिए मुझे लेआउट्स मेथड्स या कैसे कैसे होता है मुझे आइडिया, तो इसलिए अगर मुझसे कहेंगे तो मैं तो वैसे ही बना लूँगा सारी चीज़ें वैसे ही सोच सोच के। अगर लेट्स से आप एज ए न्यू भी जब भी डिज़ाइन करें तो आपको बताया तो उसका मेथड वही है, सेम है कि पिंटरेस्ट, बिहेंस या ड्रिबल पर जाएँ, जिस भी कैटेगरी का ब्रोशर बनाने लगे ऑलरेडी दूसरों के डिज़ाइन लास्ट में देखें। बिकॉज ये जितने भी हम फ्लायर या ब्रोशर करते हैं सारी की सारी कंटेंट मैनेजमेंट है। हमने जो भी कंटेंट है, जो चाहे प्रमोशनल है, बिजनेस है या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, वो सारे के सारा हम इस तरह से कंटेंट हैंडल कर रहे होते हैं ये इस तरह के कामों के अंदर। तो जब भी आप डिज़ाइन करें उससे सेम या रेलेवेंट कैटेगरी के लाजमी डिज़ाइन से क्या करें, एक तो आपको कॉन्टेंट का आइडिया हो जाता है जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, दूसरा फॉन्ट्स का आइडिया हो जाता है, थर्ड कलर्स का आइडिया हो जाता है, और फोर्थ कोई ना कोई आपको अच्छा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट या छोटे छोटे आइडियाज़ मिलते हैं। अब देखें जैसे ये वाला ब्रोशर है, तो इस तरह के आपको डिज़ाइंस मिलेंगे मोस्टली जब भी आप लेट्स से हार्डीज या इस तरह के कोई भी फास्ट फूड वाले रेस्टोरेंट में जाए तो उन्हें छोटे छोटे या रेस्टोरेंट्स के अंदर इस तरह के पोस्टर्स लगाए होते हैं या टेबल के ऊपर छोटे छोटे पड़े होते हैं, तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट के आइडिया यहाँ से मिलेंगे। और ये वाला काम ये खुद फोटोशूट करते हैं, ये जो आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं वाली, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं, जैसे ये चिली है या ये जो इसके छोटे छोटे ये वाले जो है पार्टिकल्स हैं, ये हम खुद ऐड कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ये फॉल कर रहा है जो उसका एंगल है, ये सारे का सारा खुद फोटोशूट करते हैं। तो अगर हम लेट से फाइवर या अपवर्क पे कर रहे हैं तो इस तरह के केस में हम क्लाइंट से कहेंगे हमें इसका फोटोशूट या जो भी आपके प्रोडक्ट की वजह से वो प्रोवाइड कर दें,
बिकॉज उसकी प्रोडक्ट है वो फोटोशूट करके हमें देता है, हमने सिर्फ डिज़ाइन करना है। बिकॉज लेट्स से अगर अमेरिका का कोई क्लाइंट है तो ये तो नहीं कह सकते पहले मैं वीज़ा लगवाऊँ, हम वहाँ पे खुद फोटोशूट करेंगे, मैंने आपको डिज़ाइन करके दें। तो अगर लोकली किसी का भी कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पर फिजिकली हम जा सकते हैं। तो इस तरह के इंटरनेशनल जितने भी क्लाइंट्स हैं जो स्पेशली उनकी प्रोडक्ट्स हैं, इवन ये जो हम ये वाला कर रहे हैं, तो ये जो भी ये घर डिज़ाइन कर रहा है ये हमें फोटोशूट देगा, देन हम कर सकते हैं। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हमें गूगल पे अवेलेबल है, देखें ड्रीम होम और हमने आई स्टॉक इमेजेस ढूंढनी है, पिक्सल या पैक्सा बे पे इस तरह की इमेजेस इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे होम्स की इमेजेस बहुत कम मिलने वाली है आपको। और ये चीजें हमें मिलेंगी यहाँ से आई स्टॉक या शटर स्टॉक से। ये वाला इमेज बहुत अच्छा है बिकॉज इसके अंदर विजुअलाइज विजुअली वो बेसिकली इमेजिन कर रहे हैं घर इस तरह होना, इस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो ये इमेज हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के इमेजेस के साथ इशू क्या आएगा, ये स्टिकर्स लगे होंगे ये वाले। तो एक तो तरीका ये है कि आप क्लोज स्टैम्प से रिमूव कर लें, दूसरा तरीका ये कि इसी इमेज को क्लिक करें और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें वापस ये यहाँ पे सर्च बाय गूगल इमेजेस पे। तो आपको ये यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सर्च करके ये जहाँ जहाँ पे अगर इमेज ये अवेलेबल हुई तो आपको इसके सिमिलर रिजल्ट ढूंढ देगा। ठीक है, उसकी उसका साइन ये है कि आपको यहाँ पे देखें ऑल साइजेस लिखा देगा, ऑल साइजेस पे क्लिक करते हैं आप देखें मिल जाएगी इमेज हमें, ये ले। या स्टॉक की इमेजेस है, अगर क्लाइंट कहता है कि उसको लाइसेंस चाहिए तो उसे कहीं लाइसेंस परचेज कर ले, लेकिन आपको मेथड बता रहा हूँ, जितनी भी ये पेड इमेजेस होते हैं जैसे आई स्टॉक है, 123 RF है, या उसके बाद शटर स्टॉक है, और उसके बाद कौन सा है ड्रीम साइट है, इस तरह की जितनी भी इमेजेस हैं ये सारी की सारी लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। लेकिन आपको उसका हैक बता रहा हूँ कि आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के पैरेलल ऑप्शन क्रिएट करते हैं, गाइड्स अनलॉक, ठीक है। देखिए इसमें भी हम क्लाउड ऐड करके इसकी बैकग्राउंड का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं डिजाइन का, नहीं अभी तो स्टार्ट ही किया है, कंप्लीट वाला काम तो किया ही नहीं। आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जो इस तरह की इमेजेस हैं, लेट्स अगर मैं क्लाइंट नहीं प्रोवाइड करता तो जो डमी इमेजेस हैं या कह रहे हैं जो शटर स्टॉक या आई स्टॉक की इमेजेस हैं, देन वो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर लेट्स से वो कहता है कि इस इमेज का मुझे लाइसेंस भी चाहिए तो उसे लाइसेंस आप खुद परचेज कर ले। तो जो भी आप इमेज इस तरह से डाउनलोड कर रहे हैं उसका यहाँ से क्या कहते हैं इसको, हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं जहां से हमने इसको ढूंढा था डे शुरू से। अब इसकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाए ये वाली, और यहां पे इसका लिंक कॉपी पेस्ट करके उसको दे दे, जिसका ये कोड होगा यहाँ पे, ये इमेज आईडी है। ठीक है, तो इसको परचेज करनी पड़ेगी, लेकिन हम एज ए डिजाइनर अगर आपने कहीं भी यूज करनी है या तो विद मार्क्स यूज करें इस तरह से, ताकि उसको बता दे कि ये वाली इमेजेस पेड है, मतलब से आपने मुझे इमेजेस नहीं प्रोवाइड करनी है, आपने मुझे इमेजेस प्रोवाइड नहीं की थी इसलिए मैं ये शटर स्टॉक यूज कर रहा हूँ। तो अगर लेट्स से क्लाइंट नहीं पे करने वाला तो इस इमेज को ड्रैग करें यहाँ पे गूगल इमेजेस पे लेकर आए और उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे, तो आपको इसके सिमिलर रिजल्ट ढूंढ देगा। और लेट्स से अगर वो कोई इमेज जिसके जैसे हम यहाँ पे हमने ऑल साइजेस पे क्लिक किया था तो इसके साइजेस अवेलेबल है,
तो जिसके साइजेस नहीं अवेलेबल उसको विजुअली वो बॉटम पे लिखा होता है विजुअली सिमिलर. क्या कह रहे से अगर ये जो हमने अभी इमेज यूज की थी स्किल सब ये जो शटरस्टॉक वाली इमेज यूज कर रहे हैं ये बेसिकली हम इसलिए यूज करेंगे बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि जिन्होंने लोकली प्रिंट करना होता है प्रिंट करके ऑनलाइन यूज नहीं करना होता. तो जब भी कोई भी बंदा इस तरह का डिजाइन ऑनलाइन यूज करेगा तो होता क्या है जो ये वाली इमेज यूज किया क्लाइंट के पास उसका लाइसेंस नहीं होता. तो लाइसेंस नहीं होगा तो जो इसका ओरिजिनल ऑथर है वो क्लेम कर सकता है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो इस डिजाइन को या तो डाउन करें या डिलीट करें या लेट से या थर्ड ऑप्शन हो सकती है पे करें. अगर अगेन पे नहीं करता तो फिर वो क्या करता है कॉपीराइट क्लेम कर देता है. तो पाकिस्तान में तो कोई मसला ही कोई नहीं है जिसका मर्जी कॉन्टेंट उठा ले लेकिन इंटरनेशनली केस हो जाता है या कुछ जुर्माना पे करना पड़ता है जाके कोर्ट में जाके. तो इसलिए लोग जितनी भी चीज़ें इसका लाइसेंस परचेज करते हैं. दूसरी चीज़ ये होती है कि लेट से जिसे लोकली प्रिंट करके पब्लिश करना है या लेट से अपने रेस्टोरेंट पे अपने ऑफिस में रखना है तो उसको इतना इशू नहीं होता कॉपीराइट का. तो वो लोग विदाउट लाइसेंस भी यूज़ कर लेते हैं. लेकिन आपने आपको दोनों केस पता होने चाहिए. आप क्लाइंट को बता देंगे लेट्स अगर तुमने एक कमर्शियल यूज़ करना है तो तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर पर्सनल यूज़ है अगर लेट्स से अपनी गारंटी पे यूज़ करोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है बिकॉज मैंने ये इमेज शटरस्टॉक से उठा के लगाई हुई है. देखिए इसका लाइसेंस कितने का है. $10 का. तो लोएस्ट अगर सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेते तो $3 का. तो ये वाली इमेज $3 की है. अच्छा ये वाला डिजाइन बेसिकली हमारा घर से रिलेटेड था तो हम इस तरह के साइन यूज कर सकते हैं जैसे ये वाला था. या अगर आपने लेट्स से बोर्ड यूज करना है तो आपको ये वाले साइंस मिलते हैं या थर्ड इस तरह के साइंस है. इसी तरह अगर रेस्टोरेंट से लेट्स से फूड या रेस्टोरेंट से रेलेवेंट है तो आप हम क्या करते हैं वुडन बैकग्राउंड यूज करते हैं डिजाइन के अंदर. लेट्स से अब इसकी बैकग्राउंड डार्क है आई गेस नजर नहीं आएगा इस पे. अच्छा इस पे ये वाला जो रेस्टोरेंट था एक्चुअली इसकी बहुत सारी आइटम्स हैं. तो उन्होंने कहा था कि जितना भी इसका मेन्यू सारे का सारा फ्रंट पे आना चाहिए. तीन इनकी मेन कैटेगरीज थी और बाकी जो छोटे छोटे आइटम सारी की सारी यहाँ पे ऐसे ऐड की. तो आपको दो तरह पे फ्लायर या मेन्यू इस तरह के या ब्रोशर्स के डिजाइन मिलते हैं जिसके अंदर या तो बहुत सारी इमेज आपने ऐड करनी होती है वो हम बॉक्सेस के साथ करते हैं या सर्कल्स के साथ करते हैं. और दूसरी चीज इसके अंदर इसको हम चलते हैं यहाँ पे वापस. तो डिजाइन कंप्लीट करने के बजाय मैं आपको थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ देन फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं इससे पहले फिर लाइट जाए. अच्छा अगर लेट्स से अगर आप डबल साइडेड बना रहे हैं आप इसी पेज को यूज करते हुए तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैनवस साइज है ठीक है हमारा कैनवस साइज आ रहा है ये A4 है इसको लेटर हेड में कन्वर्ट करते हैं 8.5x11. मुझे लगता है ये आज करने नहीं देगा.